हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक अग्रवाल माहेश्वरी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों दोस्तों बहुत दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद अब मिल रहे हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम पर भी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, और तो वही चीज़ें चल रही थी अभी तक, और अभी भी वो रिकवरी मोड में। तो दोस्तों बस यही है कि जैसे तैसे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा आप ही के फायदे के लिए, और हमारी यही दिली भावना रहती है कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमारे साथ और हमारी इंफॉर्मेशन के साथ कमाते रहे, क्योंकि हमारे चैनल की एक्यूरेसी मोर देन 90% है। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी में इतनी तेज गिरावट कल के दिन में हुई, कोरोना का नाम ले ले या फिर कोई सा भी नाम ले ले, उनको प्रॉफिट बुक करना था, इसके चलते जैसे तैसे हो गया। पर आज आपने वापस रिकवरी भी देखी है नीचे के लेवल से। आज दोस्तों हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपके लिए कुछ एक बेसिक्स दे रहा हूँ, जिससे चलते आप कल भी अपने आप से भी ट्रेड लेने की कोशिश कर सके। दोस्तों ये 10 मिनट्स का चार्ट है, अगर आप चाहे तो इसको 15 मिनट्स पे भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहे तो 5 मिनट पे भी ले सकते हैं, बट मुझे 10 मिनट्स कन्वीनियंट लगा, मैंने लिखाया। क्योंकि अगर हमें पोजिशनल ट्रेड करना है तो सॉरी पोजिशनल इन द सेंस 150 डे इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो हमें कुछ डाटा वैल्यूएबल और वर्थी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि दोस्तों हमें बैंक निफ्टी एक रेसिस्टेंस 10 मिनट्स के चार्ट पर ऑलमोस्ट फेस कर रहा है। दोस्तों अगर ये निकल जाता है दोस्तों, तो आपको इस लेवल्स के ऊपर से, मतलब जब ये क्लोज देता है और सस्टेन करता है दोस्तों, तो भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप बैंक निफ्टी प्लेयर भी हैं और अगर बैंक निफ्टी ऑप्शंस में पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर ये ऊपर जैसे ही निकलता है आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही लिखता है 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी ऑप्शन जो जो कोई भी यहाँ पर होगा वो तो ऊपर से आपको देख ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। बट अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सीनारियों से देखिए, यहाँ पर मल्टीपल ट्रेंड लाइन के सपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये सपोर्ट ब्रेक करता है तभी बात यह है कि भाई हमारे पास एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट नीचे में, नीचे में देखिए ये अल्टीमेट ये टारगेट नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी एक आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखता है जो कि आपको 10-10 मिनट के कैंडल्स पर, आप समझ लीजिए कि अल्टीमेट 1 आवर का चार्ट टाइम फ्रेम यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि 6-7 कैंडल है, उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकता। बट अगर ये ब्रेक करके यहाँ से निकल जाता है दोस्तों, तो हम 670 से भी, अगर इस बात को समझे कि 670 से ब्रेक करता है तो हमें 500 तक के लेवल्स इजीली मिल सकते हैं, यानी 150 पॉइंट्स का हमें टारगेट आसानी से बैंक निफ्टी में नीचे की डाउन ट्रेंड साइड में मिलता है। तो अगर हमें पुट बाय करते हैं तो वो ऑलमोस्ट आपको 150 पॉइंट, जब भी बैंक निफ्टी शार्प फॉल आएगा तो आपको कम से कम 80 पॉइंट से 100 पॉइंट तक का गेन आपको बैंक निफ्टी का पुट आपको देके रखेगा दोस्तों। और जब ऐसा होगा तो ऑब्वियस है कि ये नीचे के टारगेट्स आएंगे आएंगे, क्यों? क्योंकि वो एक रेंज को तोड़ के नीचे आपको जाने की कोशिश करेगा, फिर आपके पास अल्टीमेट टारगेट्स जो है ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट क्रिएट करेगा। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है दोस्तों, तो आप इसको इजी में ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए मैं आपको अभी यहां पर भी दिखाता हूँ, ये देखिए 10 मिनट्स के चार्ट पर इस रेंज को आप जरा ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, ठीक है। ये आपने रेंज को ऑब्जर्व किया, यहाँ पर भी कुछ बहुत मिनी रेंजेस भी बनी थी, आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। तो बहुत सारी बार ये यहाँ से देखिए, पहले इसको ब्रीच नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वहीं पर गया, ऐसी तरीके से घूमता रहा। बट ये अल्टीमेट कहीं नीचे का सपोर्ट था तो उसने सपोर्ट लिया, बट जब यहाँ पर उसने सपोर्ट इस सारी रेंज को ब्रेक कर दिया दोस्तों, तो देखिए वो कहाँ पर गया, वो सीधे यहाँ से 250 पॉइंट या 250 से लेके 29,000, यानी 250 पॉइंट का आपको नीचे के साइड में ब्रेक आपने देखा। और जब सेम पैरामीटर्स पे आपने यहाँ पर क्लोज देखा इसको, इतने बड़े कैंडल को, तो आप समझ लीजिए कि यही कैंडल नीचे के सपोर्ट ही आपको सारा काम करके देगी। उसने नीचे बहुत जिगजैग दिया, बट ये आपको ब्रेकआउट कैंडल थी, नीचे आया पर वो सस्टेन नहीं करा और अगेन वापस शूट आउट। तो आप समझ लीजिए कि फिर आप 250 भी अगर इसको कंसिडर करते हैं तो आपको 750 यानी 500 पॉइंट का गेन इजीली मिला। तो दोस्तों इस तरीके से ही बेसिक्स पर बेसिक चलते हैं और बेसिक्स पे बेसिक के साथ आप मास्टर बन सकते हैं दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, देखिए अब हम इसको 1 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम पर आपको, सॉरी 3 आवर्स के चार्ट फ्रेम मैंने लिया ले लिया, मैं आपको इसको 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से देखिए वेटेज दिख रहा है। देखिए 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर भी आपको यहाँ पर गेप हो सकता है कि यहाँ पर मिले और वापस से सपोर्ट लेने आया, फिर वापस से बाउंस कर सकता है। तो वही लेवल आएंगे, अगर आएगा तो भी 29,500 का लेवल एक सपोर्ट लेवल जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर वो ब्रीच करता है तो नीचे के लेवल से आप देख सकते हैं और अल्टीमेट सपोर्ट 29,000 के आसपास है, जो कि आज का लो
के आसपास आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यही इसी लेवल्स के आसपास आप ट्रेड करेंगे तो अगर यहाँ से ये ब्रीच करता है तो आपको फिर वापस से ये बड़े लेवल 29,300, 30,200, 30,300, 30,500 तक के लेवल्स भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से बेसिक को सीखिए। मैं आपको ऑप्शंस की वीडियो, मैंने बहुत सारी ऑप्शंस की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, आपने देखी भी होगी, चाहे वो कौन से भी ऑप्शंस हो सारे के सारे 90% एक्यूरेट होते हैं। और मैं अपने नए टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप उसे ज्वाइन कीजिए और बिंदास होके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप दोस्तों अकाउंट ओपन करके काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, अपस्टॉक में फ्री अकाउंट ओपनिंग है दोस्तों, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप चाहें तो अलाइज ब्लू में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप चाहें जहां भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप कीजिए हमारे साथ। वी विल हेल्प यू श्योरली बट द सिंपल थॉट प्रोसेस यू नीड टू डू ट्रेड ऑन दैट अकाउंट सो दैट यू विल गेट बेनिफिट टिल यू विल डू ट्रेड ऑन द सेम अकाउंट। धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, जय श्री महाकाल।